एक और न्यू नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ वैकेंसी का। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल मैं वेबसाइट पे हूँ। एच जी पी जे ई की न्यू वैकेंसी आ गई है। अभी एक एच जी पी जे ई का एग्ज़ाम लगने वाला है 18 फेब को। एंड अभी लेटेस्ट आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आ गई है। मैं सब प्रूफ के साथ में बताऊँगी। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होने वाला है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नीचे आप लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर जो है स्टाफ नर्स का, यूपी गवर्नमेंट का, या हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोटिफिकेशन होने वाला है। तो अपन डिस्कस करेंगे, मैं ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन। तो फाइनली दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप क्लियर। इसके अंदर ये है एस जी पी जे लखनऊ का नोटिफिकेशन होने वाला है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी होने वाली है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी होने वाली है नर्सिंग की। ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है अब तक की, 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है और इसमें पूरा पैटर्न चेंज है। मैं सब वन बाई वन आपको बताऊंगा। इसमें एग्जाम का सिलेबस भी चेंज है। एग्जाम का सिलेबस भी बहुत ही अच्छा रखा गया है एस जी पी जे के द्वारा। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्या फीस रहने वाली है, सारी अपन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है वो बता देता हूँ मैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 80% आपकी नर्सिंग का नॉलेज आएगा, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे 100 में से 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे। एंड 20 क्वेश्चन वो भी आपके प्रैक्टिकल नर्सिंग के ही होने वाला है। 20 क्वेश्चन 20% जिसमें उसमें देख सकते हैं आपको भी। अब इसमें 10% देख सकते हैं विल बी कोविड-19 रिलेटेड आएंगे। तो काफ़ी अच्छी आपने जो पढ़ा है वही आने वाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला है। जिसको मैं रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से दिक्कत है उसके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। इसमें टोटली सिलेबस रहने वाला है एंड नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर नहीं रखी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा। तो ये फॉर्म नहीं चूकना आपको, भरना है। अब इसमें आपका फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। कैसे भरना है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सब बता दिया इसमें। इस नोटिफिकेशन को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर। अब मैं पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्या पोस्ट रहने वाली है टोटल, पोस्ट के बारे में बता देता हूँ मैं टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी जो टोटल रहने वाली है वो देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एससी की जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी 415 पोस्ट रहेगी, एसटी की 39 रहेगी, एंड ओबीसी की रहने वाली है 533 रहने वाली है, एंड ईडब्ल्यूएस की 197 रहने वाली है, यूआर की 790 रहने वाली है। टोटल 1974 पोस्ट रहने वाली है। तो 2000 के समथिंग पोस्ट रहने वाली है टोटल। और सैलरी वही होने वाली है आपकी परमानेंट 70-80 हज़ार वाली सैलरी। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं वुमेंस के लिए 20% रहेगा, एंड दिव्यांग है, एक्स सर्विस मैन है, डिपेंडेंट, तो ये रहने वाला है रिजर्वेशन। एंड इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ और आपकी क्या फॉर्म फीस रहने वाली है। तो फॉर्म फीस इसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो आउटर स्टेट के होने वाले हैं उनके लगभग मुझे लगता है यही जो है फॉर्म फीस रहने वाली है। टोटल आपको 1180 रुपये पे करना है। एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की 1180 सेम फीस रहने वाली है। एसटी एससी कैंडिडेट की रहने वाली है वो रहने वाली है 708 रुपये रहने वाली है एसटी एससी कैंडिडेट के। एंड देन अपन ये टोटल जो पोस्ट रहेगी स्टाफ ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की रहने वाली है। बेसिकली मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एस जी पी जे ही करवा रहा है ये सारा। और इसमें और अभी मैं बता देता हूँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ही है। इसमें सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पोस्ट मैंने आपको बता दिए, और रिजर्वेशन अप्रॉक्स यूपी गवर्नमेंट वालों को मिलेगा, एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ फाइनल क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं आप। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसमें बीएससी नर्सिंग प्लस पीबीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम डिप्लोमा। जीएनएम जिसके पास जीएनएम डिप्लोमा है उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल जो एम्स का क्राइटेरिया था सेम नॉर्थस्टेट का वही रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार का अलग से नहीं रहने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको है पता मैंने बता दी है, सारी मेन इंपॉर्टेंट जो है बता दी है। इसके अलावा आपके जो भी अगर कमेंट में बता देना मुझे कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में, फॉर्म से रिलेटेड आप मुझे बताएं। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है टोटल पूरा। एंड तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।